सो हाई एवरी वन, दिस इज ए मोनू। सो फ्रेंड्स, फाइनली UGSC मॉपअप राउंड का मेरी लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको देखने के लिए BCCC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। और फ्रेंड्स, इसमें भी रैंक कार्ड भी है दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट UGSC मॉपअप में पार्टिसिपेट किए होंगे, यानी कि अपना बिलगेंस दिए होंगे, तो सभी का रैंक कार्ड आ गया है। तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद रैंक कार्ड ऑफ UGSC मॉपअप 2022 लिखा हुआ है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर दो तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है UGSC ID एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आपको रजिस्ट्रेशन के समय UGSC ID मिला होगा, तो UGSC ID यहाँ पर डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, उसके बाद शो रैंक कर देना है, तो ये आपको रैंक का डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरी लिस्ट जो जारी किया गया है, कितने स्टूडेंट को, कौन कौन सा स्टूडेंट को किस कैटेगरी से मिलने वाला है। तो सिंपली आपको लेटेस्ट अपडेट में यहाँ पर आने के बाद ये दिखा देते हैं, लिखा हुआ है डेट एंड टाइम। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट मॉपअप में पार्टिसिपेट किए होंगे, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस डेट में जाना है और किस टाइम में जाना है। तो जो भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, तो आप सबसे पहले देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट दिए हैं मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ PDF में, फिर मैं एक एक करके समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये जारी किया गया है 25/10/2022 यानी 25 अक्टूबर को। और आप लोग को UGSC मॉपअप का 2 नवंबर से आपको ऑफलाइन पटना IS भवन जाके आपको काउंसलिंग करना भी होगा। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के लिए है UGSC 2022। यहाँ पर आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो भी स्टूडेंट UGSC मॉपअप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम वर्ष के लिए दोनों चक्र के ऑनलाइन काउंसलिंग उपलब्ध रिक्तियों के लिए पुनः आवंटन हेतु UGSC 2022 में सम्मिलित जो अभ्यर्थी उपरोक्त विज्ञापन के आलोक में ऑनलाइन अप्लीकेशन एंड उसके बाद बिलगिनेस 21/10/2022 को, यानी कि आप लोग अप्लीकेशन कर दिए हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, 21 तक लास्ट डेट था और बिलगिनेस का, तो आप लोग कर लिए होंगे, उसके बाद सबमिट कर दिए होंगे, तो उपरोक्त रिक्तियों के पाठ्यक्रम संस्थान में मॉपअप में काउंसलिंग आपको नीचे दिया गया है, तो वही बता रहा है। उसके बाद सेकंड में बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट था कि मॉपअप काउंसलिंग में ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो ऑफलाइन होगा, आपको IS भवन पटना जाना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय IS संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट 14 में प्रारंभ होगा। यहाँ पर आपको तो कब जाना है ये यहाँ पर देखना है। सभी स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। यहाँ पर लिखा मॉपअप काउंसलिंग प्रोग्राम, तो जो भी आप कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हैं, डेट एंड टाइम दिया हो गया है। तो 2/11/2022 से आप लोग का काउंसलिंग होगा मॉपअप का ऑफलाइन। तो ये DQ के लिए है और ये कैटेगरी SMAQ के लिए है, SMAQ के लिए। तो जो भी स्टूडेंट इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर देखना। और फ्रेंड्स, आपको सभी कैटेगरी से मिलेगा, UR से भी मिलेगा, अनरिजर्व से भी, आपका जो रिजर्वेशन उससे भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपका तब तक अनरिजर्व में आपको सीटें हैं। तो यहाँ पर टाइम दिया गया है अनरिजर्व के लिए, मेरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं सारा चीज़ें। तो आप सबसे पहले मिला लीजिए कि जो भी रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो रजिस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ पर डेट और टाइम भी दिया हो गया है। तो किस डेट के है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि अच्छा कॉलेज मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट कब तक हो रहा है, बहुत सारा है, क्योंकि बहुत सारे सीटें बच गई थी, लगभग 7000 के अप्रोक्सीमेट। तो आप तो सीट मैट्रिक्स देखे ही होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी दिया गया है डेट एंड इंटरव्यू 14/11, यानी 2 से स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, और 14 नवंबर को आपको लास्ट हो जाएगा। और एक कैटेगरी EWS के लिए, तो आप सबसे पहले देख लीजिए कि कब हमको जाना है और किस डेट में जाना है, और जो भी कैटेगरी है उससे आप देख लीजिए। और मैंने तो बता भी दिया था कि जिसका एडमिशन हो गया है उसको क्या क्या ले जाना है, तो यहाँ पर आप एक बार और देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, आपको जो नामांकन रसीद होगा यानी कि एडमिशन स्लिप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप होगा, और साथ साथ आपका नामांकन स्लिप यानी कि बोनाफाइड भी ला सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप लेके जाना और एडमिशन स्लिप, ये दोनों ले जाते हैं तो आपके लिए वहाँ पर कंसीडर कर लिया जाएगा। या तो फिर नहीं रहता है तो आप बोनाफाइड भी सर्टिफिकेट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें मैंने बता दिया हूँ इससे पहले भी।
तो आप लोग का 14 नवंबर तक आप लोग का आपको काउंसलिंग होने वाला है, और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं उसके बाद एक और वीडियो लाऊंगा, पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते हैं, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।